उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद के बायताल गांव में बिजली की समस्या पर 8 महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद वीडियो के माध्यम से मैं अपने समुदाय को संगठित व जागरूक कर काफ़ी प्रयासों के बाद बदलाव ला पाया। सरकार को पहले ही दिखना चाहिए हम लोग गरीब हैं और हमारी मदद करें, उसके बाद में लाइट दे, बोले अपने कर्मचारियों से कि आके लाइट दीजिए। उजाला नहीं हुआ था, बच्चे का परेशानी हुआ था, बहुत गर्मी लागत है, पंखा नहीं चल पाता था, बच्चे परेशान रहते हैं, हमारे घर में बहुत से परिवार है। लाइट करीब 6 महीने से लगा हुआ है, बोर्ड टांग दिए कि लाइट नहीं चालू है। प्रयास बहुत किया है, वो प्रधान से बोले तो वो प्रधान बोले कि अभी आएगा, फिर भी नहीं लगाया, लाइट नहीं आया। आपका लाइट आए, फोन लगाया तब लाइट आए, उससे क्या फायदा मिलता? उससे फायदा है कि मेरे उजाला में खाना बना हुआ, बनाए तो अंधेरे में खाना बनाना जात रहा है। और क्या फायदा है उसे मिला? अब मोबाइल के लिए फायदा है। अच्छा, फिर आप आए, वीडियो बनाए, वीडियो को जीआई के पास भेजे, वो हम फोन किए और वो सुपरवाइजर को भेजे, वो आकर यहाँ हम सबकी लाइट को जुड़ा और हम तो सबसे लाइट मिलने लगी। तो अब आपके यहाँ कितने घरों को लाइट मिल रहा है? 40-45 लोग लगभग पा चुके हैं, मतलब इतने के पास नहीं था, पा गए सब। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से ऐसे ही अपने हक वंचित समुदाय की अनसुनी समस्याओं को उठाता रहूँ और उनको संगठित व जागरूक कर उनकी समस्याओं पर बदलाव लाता रहूं। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।